नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, कुशेश्वर स्थान में जदयू की जीत हो चुकी है। आपको पता है कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर वोटों की गिनती जारी है, और ऐसे में अभी से कुछ देर पहले की हम खबर बता रहे हैं आपको, बड़ी खबर कुशेश्वर स्थान से निकलकर आ रही है, जहां पर जदयू जीत चुका है और सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी रह गया है, आधिकारिक पुष्टि करना बाकी रह गया है। इससे पहले अगर 19वें राउंड की हम आपको बात कर दें तो कुशेश्वर स्थान में 19वें राउंड में जदयू प्रत्याशी अमन भूषण हजारी 11,447 मत से आगे चल रहे हैं, जबकि आरजेडी को 39,969 और जदयू को 51,416 मत मिले, वहीं कांग्रेस को 4,605 वोट मिले हैं, तो लोजपा रामविलास को 5,214 मत प्राप्त हुए हैं, और अब तक 112,147 मतों की गिनती हो गई है और जदयू जो है कुशेश्वर स्थान में जीत चुका है। आधिकारिक पुष्टि इसकी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि जदयू जीत गया है, वो कुशेश्वर स्थान सीट पर जदयू का कब्जा एक बार फिर से हुआ है। और उसी के साथ ही जदयू के जितने भी सपोर्टर हैं, पटना में हो या फिर दरभंगा में हो, लगातार उत्सव के माहौल में है और सभी खुशी मना रहे हैं इस बात की कि कुशेश्वर स्थान सीट पर सबसे पहले जो है खुशखबरी निकलकर सामने आती है, और यहां एक बड़ा अंतर देखा गया, बड़ा मार्जिन देखा गया राजद और जदयू के बीच में, कहीं कोई मुकाबला ही नहीं दिखा। शुरुआती रुझान की बात करें तो शुरुआती रुझान में कुशेश्वर स्थान में जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई तो राजद आगे था और ऐसा लगने लगा था कि राजद शुरू से ही यहां पर बढ़त बनाए रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुशेश्वर स्थान में मामला हाथ से फिसलता गया राजद के और आखिरकार जदयू ने जीत दर्ज कर ली है। अब बात करें अगर तारापुर की तो तारापुर में भी लगातार वोटिंग की गिनती शुरू है, वोट काउंटिंग जारी है, और ऐसे में तारापुर से जो खबर कर सामने आ रही है उसके हिसाब से राजद के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन राजद खेमे के लिए दुख की बात यह है कि यह बढ़त बहुत ज्यादा नहीं है, लीड जो है बहुत ज्यादा की नहीं है, तो यहां भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी हालिया रुझान हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे राउंड बाई राउंड गिनती शुरू जारी रहेगी, तारापुर का रुझान भी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर, कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर एक बार फिर से जदयू का कब्जा हुआ है, कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट एक बार फिर से नीतीश कुमार के खाते में गई है। आपको बता दें कि जदयू के प्रत्याशी अमन भूषण हजारी जो है वो यहां से जीत गए हैं, औपचारिक ऐलान बाकी है, आधिकारिक पुष्टि बाकी है, लेकिन अब यहां पर तारापुर में देखना होगा कि तारापुर में राजद क्या सीट को जीत पाती है और जदयू क्या एक बार फिर से तारापुर में भी अपना कब्जा कायम कर पाती है। लेकिन फिलहाल जो है नतीजे कुशेश्वर स्थान से निकलकर सामने आ रहे हैं, बड़ा नतीजा निकला है, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसके मुताबिक अब कुशेश्वर स्थान नीतीश कुमार के खाते में चला गया है, और तारापुर में नतीजे क्या कुछ निकलते हैं वो भी थोड़ी देर के बाद ही पता चल जाएगा, जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे हम आपको बताएंगे जरूर। खैर, आप बने रहें लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें और जानते रहें बिहार विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी तमाम उन खबरों को जिसके लिए आप भी इंतजार कर रहे थे, बिहार के सियासतदार भी इंतजार कर रहे थे। कुशेश्वर स्थान जदयू के खाते में, तारापुर किसके खाते में।